ये पूरा एक DRL चलता है इसमें और उसी में ही इंडिकेटर। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है और इस पूरे सेंटर कंसोल को भी हमने बीच कलर में ही किया है। ये दोस्तों 16 इंच के अलॉय व्हील्स है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और सभी को हैप्पी रेनी डे। तो आज है 29 दिसंबर 2022 और सिकंद कार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपने थंबनेल और टाइटल देखा है, हमने जो तैयार किए है एम्बेसडर। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसी लेटेस्ट जो हमारे नए क्रिएशंस होंगे आप उनकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं गाड़ी की ओर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। ऐसे बिल्कुल सिंपल चाबी आती थी, हमने कोई भी इसमें फ्लिप की इंस्टॉल नहीं की गई ताकि थोड़ी बहुत ही जो इसके मतलब ओल्ड स्कूल वाला टच है वो बरकरार रहे। और बस इसमें थोड़ा कम्फर्ट के लिए हमने सेंटर लॉकिंग है वो जो इसमें इंस्टॉल की है। और हेडलाइट्स आप लोगों ने नोटिस की होगी, ये पूरा एक DRL चलता है इसमें और उसी में ही इंडिकेटर्स हैं जो इंटीग्रेटेड है और उसी के साथ फुल कंप्लीट LED टचअप है इसमें और उसी के नीचे इंडिकेटर्स भी हैं और मतलब बल्ब बेस्ड और LED दोनों इसमें जो है इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और इसमें हमने मतलब ये पूरी जो ग्रिल आती है इसको ब्लैक किया है और थोड़ा सा वाइट का टचअप देने के लिए इसका जो सेंटर पार्ट है हमने उसको वाइट कर दिया है। क्रोम का जो पार्ट है ना इसमें ज़्यादातर पहले गाड़ियों में क्या होता था, पूरा क्रोम कर देते थे, तो आजकल क्रोम का उतना ट्रेंड नहीं है। बस हमने इसमें जो लिमिटेड पार्ट होता है क्रोम का वही रखा है, जैसे ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर आते हैं उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बाय स्टॉक ही जैसे टॉप मॉडल में आते हैं तो ये क्रोम में ही आते हैं, तो वो भी हमने मतलब जैसे यहाँ उसे बाय स्टॉक कंडीशन में ही रखा है। और इसका जो हेडलाइट्स का कवर आता है वो और ये ये मतलब जो हिंदुस्तान मोटर्स का एक शायद एम्बलम रहता होगा या क्या शायद जजमेंट करने के लिए, पर जो भी है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसी के नीचे हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो, उसी के नीचे जो स्टॉक बम्पर है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी ना क्रोम की पट्टी आती है तो वो भी हमने इसमें इंस्टॉल नहीं की गई क्योंकि ज़्यादा क्रोम अच्छा नहीं लगता ऐसी गाड़ियों में। और वैसे भी जो वाइट कलर में उठ के आ रही है ना वो फिर बात बननी नहीं थी। तो अभी हम आ चुके हैं साइड लुक में, जो एयर वेंट आता है रेंज रोवर का वो हमने इंस्टॉल किया है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये फेंडर पे ऐसे ही डबल टेप में इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे पूरी कटिंग करनी पड़ती है तब जाके यहाँ पे मतलब के इन द सेंस कि ये बहुत मेहनत वाला काम है। उसी के नीचे हमने दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं अलॉय व्हील्स और आप लोग देख सकते हो प्लाटी कंपनी के। इसमें ये दोस्तों 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट PCD आती है ना वो आती है बलेरो वाली जो काफ़ी बड़ी आती थी, तो इसमें PCD कन्वर्टर इंस्टॉल किया है आप लोग देख सकते हो पीछे। और उसी की वजह से जो टायर हैं थोड़े ब्रॉड हो चुके हैं, अगला टायर तो थोड़ा सा बाहर है लेकिन पीछे वाला गाड़ी के अंदर ही है बॉडी के। और उसी के ऊपर आप लोग देख सकते हो हमारे स्टॉक वाले क्रोम डोर हैंडल्स लगे हुए हैं। और जो साइड मिरर है ना दोस्तों, साइड मिरर आप लोग देखो इसमें जो बलिनो के आते हैं ना मारुति बलिनो सिग्मा मॉडल, उसके यहाँ पे ORVMs इंस्टॉल किए हैं। तो बात करते हैं रियर लुक की, तो यहाँ पे स्टॉक टेल लैंप्स इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे जो नीचे ये वाला पार्ट है ना इसको हमने ब्लैक कर दिया है। और ये दोस्तों हमारी वेजिंग लिमिटेड एडिशन बाय सिकंद कार, तो इसका जो बूट है ना उसको खोलना कोई आसान बात नहीं है। अभी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर आ जा चुके हैं ये मतलब पूरा जोर लगा देते हैं और यहाँ पे कैंची सिस्टम के साथ यहाँ पे डोर है वो लॉक हो जाता है। और इसको अगर खोलना हो तो इसको आगे करके ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमने JBL का जो है सबवूफर इंस्टॉल किया है और फुल कारपेटिंग हो चुकी है बूट की भी।
तो अभी दोस्तों चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में इन 3, 2 एंड 1। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और अंदर आप लोगों ने जैसे सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा तो इसमें हमने बीज इंटीरियर का कलर किया है, और जो साथ में जो वुडन टचअप है प्लास्टिक के पार्ट्स में हमने वुडन टचअप दिया है। तो मतलब बहुत ही एक फिट एंड क्लास, बहुत ही एक प्रीमियम सेगमेंट जो इसकी लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एसी वेंट्स के सराउंडिंग, स्पीडोमीटर के सराउंडिंग, और इसकी जो आउटलाइनिंग है ना ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छी आ रही है। और कई भाइयों को नहीं पता होगा ये MID नहीं है, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इसमें सिर्फ जो हमारे वो बैटरी के ऑयल के जो लाइट्स आती है ना, मैं आप लोग एक बार चाबी लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें सिर्फ यहाँ पे इंजन लाइट्स आती हैं और इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट साइड में जो स्टॉक्स आते हैं एज इट इज ही है, और उसी के नीचे हेडलाइट के कंट्रोल, ये वाइपर के हैं, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, और ये लाइट्स के कंट्रोल है सारे। तो ये मतलब बिल्कुल एज इट इज ही इनको रिस्टोर किया है, और ऊपर यहाँ पे भी एसी वेंट आ गया, और यहाँ पे हमने ना 9 इंच का नाकामिची का एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया। और आप इसकी एक बार फिटमेंट चेक करो, बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये देखो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, मैं जितना भी जोर लगा लूं, देखो इसकी प्रॉपर स्नग फिटिंग आई हुई है। और उसी के नीचे पावर विंडो के कंट्रोल है, वहां पे भी हमने वुडन टचअप दिया है, और ये मतलब चारों पावर विंडो के कंट्रोल उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड दिए है। यहाँ पे मतलब फ्रंट में तो यहीं से कंट्रोल होगा, पीछे इंडिविजुअली डोर्स पे दिए हुए हैं, डोर पैनल उनका सेम है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो स्टिचिंग हुई है, जैसे जो हम डायमंड डिजाइन बोलते हैं इसको, और वही सेम सीट पे भी हुआ है। और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको जेट एयर कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब एक गाड़ी को जल्दी कूल करने का। और इसमें सारे कंट्रोल्स दोस्तों वर्किंग है, यहाँ पे हजार्ड का स्विच है, तो वो भी मतलब पूरा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। बस इसको जो हमने एक रिफर्बिश किया है ना, जो वो आज के स्टाइल में कर दिया है, जैसे यहाँ पे ट्वीटर्स इंस्टॉल किए हैं, ब्लैम का जो इसमें साउंड सिस्टम लगा है, तो यहाँ पे उसके ट्वीटर्स की प्लेसमेंट लगी हुई है, वो भी आप लोग देखो बिल्कुल स्नग फिट है, ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट की। और वो जो पिलर पे ORVM लगा है उसकी मतलब थोड़ा सा वो नीचे हुआ है, अदरवाइज वो भी बिल्कुल एक्यूरेट पोजिशन बता देता है, जैसे वो वाला भी। और इसमें जजमेंट भी बहुत अच्छी होती है, कमांडिंग पोजीशन मिलती है, ये देखो ऐसे, मतलब जो आपको SUV में स्टांस मिलता है ना वो वाला है। और यहाँ पे गियर नॉब की बात करें तो गियर नॉब भी आप लोग देखो लेदर है, पूरा स्टिचिंग की हुई है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वहां पे भी पूरा OEM जो यहाँ से ये लेके यहाँ तक जो कट है उसको पूरा लेदर अप किया है। और ये हमारा जो हॉर्न है ऐसे करके, मतलब पूरा थोड़ा जोर लगाना पड़ता है तब जाके यहाँ पे हॉर्न जो है वो हमारा वर्क करता है। और यहाँ पे जो है AC के कंट्रोल्स है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा बलैरो आती थी, जो महिंद्रा की बलैरो जो अभी भी आती है, तो उसके कंट्रोल्स अगर हम ऐसा कोई कंट्रोल 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो लगाते हैं ना, उसके कंट्रोल्स छुप जाते हैं, इसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल डिन का ऑप्शन है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मतलब ये जगह सारी सेफ, तो इसके कंट्रोल्स जो AC वाले हैं वो साथ में ही आते हैं इधर की साइड, तो उस वजह से हमें ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जो पावर विंडो के कंट्रोल है वो तो हालांकि बिल्कुल हम रीच कंडीशन में ही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, और इस पूरे सेंटर कंसोल को भी हमने बीज कलर में ही किया है, और जो फ्लोर पे 70 के मैट्स लगे हुए हैं, और रूफ पे भी सेम डिजाइन कंटिन्यू किया है, और ये सनवाइजर्स यहाँ पे भी, और मतलब जो एक ये देखो बिल्कुल मिरर फिनिश आती है, मतलब सेंटर में हम देखें तो वही सेम जो विंडो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये रियर सीट्स, मतलब आप देखो उस टाइम में भी ये जो मंत्रियों का इतना ध्यान रखा जाता था ना, क्योंकि ये ज्यादातर पॉलिटिकल यूज में भी होती थी, तो उनके लिए स्पेशल सेंटर में आर्मरेस्ट दिया जाता था। इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं आती, सिंपल जस्ट आर्मरेस्ट है। और यहाँ पे आप लोग देखो पावर विंडो के स्विच के साइड में भी वुडन फिनिश दी है, और डोर हैंडल्स पे भी। तो दोस्तों इंटीरियर का काम आपको कैसे लगा मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा ये क्रिएशन कैसे लगा हमें जरूर बताएं। जो हमारा चैनल है सिकंद कार का उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको ये हमारा काम कैसे लगा? और एम्बेसडर के साथ
और एम्बेसडर के साथ आप लोगों की जरूर कोई ना कोई यादें जरूर जुड़ी होंगी और वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड वियर सीट बेल्ट। थैंक यू।